सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। नैब सिंह सैणी ने एक बार फिर तो हरियाणा के मुख्यमंत्री वजों चुकी सहुं। पंचकूला में होया सहुं चुक समागम, 14 कैबिनेट मंत्री ने भी चुकी सहुं, दो महिलावां ने भी कैबिनेट मंत्री वजों चुकी सहुं। भगवान श्री वाल्मीकि तीर्थ स्थल राम तीर्थ अमृतसर विखे मुख्यमंत्री भगवंत मान हुए नतमस्तक। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वाल्मीकि जी पैनोरामा किया लोकाई नूं समर्पित। तख्त श्री दमदमा साहब जथेदार हरप्रीत सिंह का अस्तीफा नामंजूर होने तों बाद श्रोमणी अकाली दल बादल के कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भूंदड़ ने की जथेदार दे नाल मुलाकात, कहा विरसा सिंह बलटोहा नूं पार्टी चों कढ़िया गया। नैब सिंह सैणी ने पंचकूला में सहुं चुक समागम दौरान एक बार फिर तो हरियाणा के मुख्यमंत्री वजो सहुं चुक ली है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्होंने अहुदे अते भेद गुप्त रखने की सहुं चुकवाई। मुख्यमंत्री तो बाद विधायकों ने भी मंत्री वजो सहुं चुकी। नैब सिंह सैणी के नाल उनके 14 कैबिनेट मंत्री ने भी सहुं चुकी है, जिस विच दो महिलावां शामिल ने। कैबिनेट मंत्री बनने वालों में अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल टांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, सरुपति चौधरी, आरती सिंह राव, गौरव गौतम, राजेश नागर शामिल ने। नैब सिंह सैणी ने लगातार दूजी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी है। सहुं चुक समागम के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत भाजपा के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। इस मौके भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद सन। दूजी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकण तो बाद नैब सिंह सैणी ने कहा कि उनकी सरकार के एजेंडे में बराबरी, चंगा प्रशासन और गरीब कल्याण सब तो उपर रहेगा। सैणी ने एक्स उत्ते एक पोस्ट में जनता का धन्यवाद प्रगट किया। दस दिए कि हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक हरियाणा सिविल सकत्रेत में भलके 11 बजे होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सूबा सरकार भगवान वाल्मीकि जी वालों दर्शाए मार्ग उच्च आदर्शों उत्ते चल रही है, ताजो बराबरी वाले समाज की सिरजना की जा सके। भगवान श्री वाल्मीकि तीर्थ स्थल राम तीर्थ अमृतसर विखे नतमस्तक होने तो बाद इकट्ठ नूं संबोधन करदे मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भगवान वाल्मीकि जी संस्कृत भाषा के पितामा अते विश्व के पहले कवि जां आदि कवि सन, जिन्होंने अपनी अमर अते महान रचना रामायण राही बुराई उत्ते चंगियाई की जित का संदेश दिता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भगवान श्री वाल्मीकि तीर्थ स्थल राम तीर्थ विखे स्थित अत्याधुनिक भगवान वाल्मीकि जी पैनोरामा लोकाई नूं समर्पित किया। उन्हें कहा कि अपनी किस्म के इस पहले पैनोरामा विच टैक्नोलॉजी का जादू डूंघे वृतांत दे नाल मेल खांदा है, जिस नाल सैलानियों लई इलाही माहौल पैदा हुंदा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पैनोरामा कंपलैक्स 9 एकड़ रकबे में बनाया गया, इसकी उसारी 32.78 करोड़ रुपए की लागत दे नाल कीती गई है। उन्हें कहा कि पैनोरामा भगवान श्री वाल्मीकि जी नूं समर्पित है, महाकाव्य दीआं तुकां दे नाल उनके जीवन की कहानी नूं दर्शाउंदा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पैनोरामा विच कुल 14 गैलरियां ने, हरेक गैलरी भगवान श्री वाल्मीकि जी के जीवन और रामायण के विशेष पहलू नूं समर्पित है। तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों दिए गए अस्तीफे नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी वालों नामंजूर किया गया। जथेदार हरप्रीत सिंह का अस्तीफा नामंजूर होने तो बाद श्रोमणी अकाली दल के कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भूंदड़ जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं मिलने के लिए दमदमा साहब विखे उन्हां दी रिहायश ते पहुंचे। इस मौके उन्हें कहा कि जो भी होया वह मंदभाग है। उन्हें कहा कि जथेदार साहब ने जो भी हुक्म किया उसकी पालना की गई, विरसा सिंह बलटोहा पार्टी विचों कढ़िया गया ते उन्हां दे वतीरे लई पार्टी ने खिमा याचना की है। उन्हें कहा कि जो भी आगू पार्टी विच अजिही हरकत करेगा उसनूं पार्टी तो बाहर कढ़िया जाएगा। बेतहाशा निंदा की है और पार्टी वालों अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीमा जी तो उन्हें पार्टी के विभाग से कहता है कि कोई भी बंदा उन्होंने 10 साल तो कढ़ता, कोई वे साडा लागा देगा नहीं। जो कहा उन्हें बहुत माड़ी गल कही है, उदू घटिया हो नहीं सकती। दूसरी गल असी कहता अगे वास्ते कि कोई भी बंदा जे कोई गल करेगा उन्होंने पार्टी च बर्दाश्त नहीं करेगी, उसे भी कढ़ देंगे। को एक अखर सिंह साहब ने कहा वो सारे की पालना
सिर झुका के की जाएगी। वो 10 साल भी है, वो कड भी दिता, वो ये भी कहा कि माड़ी गल की है, नाल असी अगे भी वार्निंग देती है, नाल असी उहदी खिमा जांचना पार्टी वालों, उन्हें जो कहा उहदी खिमा जांचना पार्टी वालों बतौर सेवादार। मैं प्रधानगी वाली मेरी गल कोल है नहीं, मैं सेवादार हाँ पार्टी का, तो सेवादार के तौर पर मेरी सी कि मैं पार्टी वालों बतौर सेवादार उहदी भी खिमा जांचना की। अमृतसर के कंपनी बाग विखे निहंग सिंह जथेबंदियां ते सिख जथेबंदियां दे वल्लों अकाली दल दे साबका लीडर विरसा सिंह वलटोहा दे खिलाफ पुतला फूक के रोस प्रदर्शन किया गया। सिख जथेबंदियां ते निहंग जथेबंदियां दे वल्लों विरसा सिंह वलटोहा नूं पंथ तों बाहर कढ़न की मंग की गई, तो उन्होंने कहा कि उह जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल हमेशा खड़े रहणगे। इह इक बहुत ही घटिया मानसिकता लोक आ जिहदा नाम आ विरसा सिंह। मैं वलटोहा शब्द नहीं वरतूंगा क्योंकि उस पिंड दे विच नगर दे विच बड़ी चढ़दी कला वाले लोग होणगे। कुछ लोग होंदे आ जिहड़ा पिंड दे नाम नूं जिहड़ा किला किते लै जांदे ते इहो जिहे बंदे ने अपने पिंड दा नाम ही नाल बदनाम करता, नाम रखिया विरसा सिंह ते विरसे नूं खराब करन वाला इह सब तों वड्डा इह आप आ। मैं अज मंग करदा भारत सरकार तों कि भाई साहब जी, जिहड़ा कोई अमृत पान कराउंदा, गुरु की गल करदा, पंथ नूं बढ़ोतरी की गल करदा, ते उहनूं जेलां इहो जिहे लोग विच पैक करवा दिंदे आ कि इहो जिहे वास्ते डिब्रूगढ़ जेलां दे दरवाजे की गल हमेशा नहीं बंद आ, की गल खुलदे नहीं? श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वो क्यों नहीं इस बंदे दे परचा दर्ज कराउंदी भाई, जवाब देवे। बाकी कोई भी गलबात हुंदी है तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सब तो हुंदी है। अज की गल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के वकील भज गए आ, टास्क फोर्स उहनां दे कित्थे चल गईआं ने? श्रोमणी अकाली दल दे मीत प्रधान अते हलका फतेहगढ़ साहिब दे इंचार्ज जगदीप सिंह चीमा ने तख्त श्री दमदमा साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों दिते गए अस्तीफे नूं वापस लैण दी अपील करदिआं कहा कि समुचा सिख जगत उन्हां दे नाल डट के खड़ा है। जथेदार चीमा ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब नाल मत्था लाउण वाले नूं सिख कौम ने कदे भी माफ नहीं किया। उन्हें कहा कि तख्त श्री दमदमा साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह एक वड्डे विद्वान, पढ़े लिखे अते सूझवान शख्सियत ने, अते अजिही शख्सियत दे परिवार खासकर धीआं भैणां बारे बोलण वाले नूं कदे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक नवां मुद्दा जिहड़ा सिख सियासत दे विच अकाल तख्त साहब नूं लैके शुरू होया, ये जिस भी सज्जन ने शुरू किया उहनूं मैं दस देना चाहुंदा वी ये बहुत ही लंबी दौड़ नहीं गी। श्री अकाल तख्त साहब दे अगे कोई भी सिंह है या कोई भी सज्जन है उहदी कदी भी पूरी नहीं पई। जिन्नियां तुसीं हिस्ट्री कढ लो श्री गुरु हरगोबिंद साहब तों लैके जदों अकाल तख्त साहब दी स्थापना होई है, उस दिन तों कोई भी सज्जन अकाल तख्त साहब के सामने जिस तरह अज वलटोहा अड़िया, इदा कोई भी सज्जन जाके अकाल तख्त साहब के जथेदार जी नूं या किसी भी सिंह साहब नूं, ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं, ज्ञानी सुजान सिंह नूं, किसी भी सज्जन नूं इदा नहीं बोलिया। वो भी चेचा जदों एक सज्जन अकाली दल का मैंबर होवे और वह एक सिख धर्म नाल जुड़िया होवे, उहने गल कीती है, मैं समझदा बड़ी निंदनयोग गल। अकाल तख्त साहब ना सीधी इनवॉल्वमेंट, सीधा पंगा, एक किसी भी किस्म नाल किसी भी तरीके नाल शोभा नहीं दिता। सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी एक पढ़े लिखे इंसान ने, वो सिंह साहब जथेदार श्री दमदमा साहब ने, पर जिथे दुनियावी गल्लां करिए आपां, किसी की धर्म पत्नी, बेटी, बच्चा कोई भी होवे, परिवारक मैंबर, उहदे वास्ते बंदा थोड़ा जिहा नरम पै जांदा। जदों आपां चेचे तौर ते बेटी वास्ते जां धर्म पत्नी पिछे कोई पुठे कमेंट करांगे और उह वी उस हसीयत च जिथे सिंह साहब बैठे ने, तां मैं समझदा वी इह जज्बाती होणा संभव है और इह जिहड़ी गल है निंदणयोग है। जां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मैं समुची सिख पंथ का फ्यूचर देख के, सिख परंपरा देख के सिंह साहब नूं अपील करदा भी तुसीं अपना जिहड़ा अस्तीफा है वो वापस लवो और तुहाडे वर्गे सज्जन ने जिहड़े पढ़े लिखे यही शोभदे ने सिंह साहब दे द्वारा सिंह साहब की पदवी के उपर, सो तुहानूं समुची पंथ है जिहड़ा समुचा पंथ है वह अपील करदा तुसीं अपना अस्तीफा वापस लवो। विरसा सिंह वलटोहा वालों तख्त श्री दमदमा साहब के मौजूदा जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह उत्ते की टीका टिप्पणी की दमदमी टकसाल के आगू ज्ञानी राम सिंह ने निखेधी की है।
ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਤ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 70 ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ, ਜਹਿਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਹਿਦਾਰ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿੱਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਹਿਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਬ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਹਿਦਾਰ ਵੇਖੇ, ਸਿੰਘ ਸਭ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਭ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਹਿਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਖ਼ਤ ਬੜੇ ਸਰਮੌਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਿਦਾਰ ਸਰਮੌਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਮੌਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦੋ ਰਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸੋਰਾ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਿਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖੁਦ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਹਿਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਹਿਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਲੋਕ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦਿਨ ਪੰਥ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾ ਦੇਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਢਾ ਦੇਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੋ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਥ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਨੀਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੰਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ IPU ਦੀ 149ਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਸਤੀ ਵਫਦ ਨੇ
पार्लीमेंटा के नाल नाल आईपीओ स्थाई कमेटियां अते प्रोग्रामां विच सरगर्मी नाल शमूलियत कीती अते आपसी संबंधां नूं मजबूत करन अते पार्लीमेंटा विचकार सहयोग नूं उत्साहित करन दे उद्देश नाल दूजे देशां दे नाल संपर्क अते गलबात शुरू कीती। बिरला ने समाप्ति वाले दिन आईपीओ की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में शिरकत की। बिरला ने कहा कि भारतीय वफद ने असैंबली के मुख थीम नाल जुड़े प्रमुख ग्लोबल मुद्दों वल ध्यान खिंचया अते इस उत्ते भारत ने महत्वपूर्ण तरक्की की है अते वधिया अभ्यास सांझे किए ने। इस दे नाल ही भारत दी विश्व वचनबद्धता नूं दोहराउंदे हुए आपसी सहयोग उत्ते नीतिगत चर्चा अते गलबात विच हिस्सा लैके योगदान पाया। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिल्ली के इतिहासक स्थान गुरद्वारा बंगला साहब विखे कमेटी के उपराले सदका संगत की मंग के आधार उत्ते धार्मिक स्टोर का उद्घाटन किया गया। गुरद्वारा साहब में आने वाली संगत को गुटका साहब पोथी साहब सैंची साहब अते नाल ही पांच ककारां दे समान की बहुत ही घट रेट से उपलब्धता करवाई गई है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अते जनरल सकत्तर ने कहा है कि इस स्टोर में सिख इतिहास अते मर्यादा नाल संबंधित शस्त्र भी बहुत घट कीमत से मिलने नाल ही पंजाबी मां बोली का लिटरेचर अते सिख इतिहास नाल संबंधित लिटरेचर बहुत ही घट रेटा से दिता जाएगा। द्वारा बंगला साहब विखे एक धार्मिक स्टोर जरा अरदास करके गुरु चरणा दे विच ओपन किया गया क्योंकि बहुत समय तो संगत की लोड़ सी कि जिहड़ियां साड़ियां धार्मिक चिन्ह ने धार्मिक किताबां ने गुटका साहब ने जिहड़ी भी लिटरेचर या साड़े चिन्हां दी लोड़ पैंदी है घरां दे विच उहदे लई एक वखरा स्टोर खोलिया जाए। और पहले जिहड़ा जिस तरीके दे नाल असीं काउंटर लगा के चलाउंदे सी बहुत वड्डी सेवा लैके जिहड़े सेवादार सज्जन ने उन्होंने सेवा लई और अज इहदा उद्घाटन किया। और मैं संगतां नूं बेनती करांगा कि वह स्टोर है जिहदे विच दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का सारा खजाना पिया भावें लिटरेचर के रूप च होवे भावें कृपान सिरी साहब होण रुमाला साहब होण दस्तारा सजान वसे होण कड़े होण तंगे होण ये सारे ककार भी इत्थों मिलणगे। और जिहड़ी चीज़ां इत्थे अवेलेबल नहीं होंदियां वह साड़ी जिहड़ी मेन स्टोरस ने उन्हां दे विच होंदी है जिहड़ी तुहानूं इसी वक्त पता चल जाएगा कि जिहड़ी चीज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को है और तुहानूं मुहैया करा सकती है। सो अज जिहड़े इस स्थान की ओपनिंग की है गुरु चरणे च अरदास करके मैं संगतां नूं अपील करांगा कि जिहड़ी भी तुसीं अपने ककारां दे संबंधित कोई भी चीज़ां लैणियां होण गुरुद्वारा बंगला साहब के इस धार्मिक स्टोर से आके एक बार विजिट जरूर करो। अज बंगला साहब गुरुद्वारा विखे ककार स्टोर का उद्घाटन किया गया और प्रोपर मर्यादा के नाल पहला अरदास करके गुरु साहब के चरणों में बेनती करके इस स्टोर का उद्घाटन किया गया। मैं समझदा गुरु साहब का बड़ा शुकराना है और ये जिहड़ा स्टोर हैगा है ये बड़ा ही संगतां वास्ते लाभदायक होगा क्योंकि ये आप अगर गल करिए ककारां की आप गल करिए सिख लिटरेचर की साखियां की किताबां की या दस्तारा की रुमाला साहब की और इस तरह के जो भी आपां नूं सिख ही रिलेटिड जो भी आपां नूं समान चाहिए होंदा वो ये सारा इस स्टोर के बहुत ही नॉमीनल रेट तो उपलब्ध होएगा क्योंकि जिस रेट के उत्ते सानूं पिछों समान आएगा वो सेम रेट के उत्ते ही अगे बेचा जाएगा। ये कोई प्रॉफिट नहीं ऐड किया जा रहा जिवें बंगला साहब गुरुद्वारे पहला आप जी पता ही है कि दवाखाना भी चल रहा है बाला प्रीतम दवाखाना सेम उस तर्ज उत्ते ककार स्टोर खोलिया गया है ताजो अपनी संगत को सहूलत हो सके क्योंकि बंगला साहब गुरुद्वारे के आस पास जोड़े होर कई जगह स्टोर ने और होर कई शॉप्स ने उद्दे बहुत ज़्यादा उन्होंने बारगेनिंग करनी पैंती है। इस स्थान के उत्ते कोई बारगेनिंग नहीं होएगी जिस रेट के उत्ते समान आया सेम रेट के उत्ते ही वह समान चाहे वह कृपाना ने चाहे आप गल करिए चौर साहब की रुमाला साहब की दस्तारा की पटकिया की मतलब बहुत वड्डी रेंज है। मैं आपके चैनल राही सारी संगत को बेनती करांगा कि जो भी संगत बंगला साहब गुरुद्वारे नतमस्तक होना आती है वो एक बार इस स्टोर के विजिट जरूर करे। सिखी के प्रचार और प्रसार लिए सिख चढ़ती कला केंद्र इको सिख ग्लोबल वालों फिरोजपुर जिले के पिंड महिमा में सिखी का जस प्रोग्राम करवाया गया जिस विच अमरीका तो विशेष तौर पर डॉक्टर राजवंत सिंह ने पहुँच के संगत खासकर नौजवानों नू सिखी के फलसफे प्रति जागरूक किया। इस मौके खुल के विचार हुई कि जो कि नौजवान पीढ़ी नू गुरु घर के वल किवें मुड़िया जाए। डॉक्टर राजवंत सिंह ने कहा कि अज समय की बहुत लोड़ है कि असी अपने धर्म पंजाबी मां बोली लई ठोस कदम चुकीए। अज बहुत जरूरत है कि असी अपने प्रचार में नवीनता लेके आईए तो प्रचार का ढंग बदलीए। डॉक्टर राजवंत सिंह ने कहा कि उनकी संस्था हमेशा सिख धर्म ते पंजाब ते पंजाबीयत लई अगे होके काम करदी रहेगी। सत श्री अकाल जी सिक्खी के प्रचार ते प्रसार लई
बहुत सारिया संस्थावां काम कर दिया जिवें कि साडी सरमौर जथेबंदी जिहड़ी श्रोमणी कमेटी है शुरू उहदे नाल अकाल तख्त साहिब होर भी कई ऐसिया संस्थावां जिहड़ियां काम कर रही हैं पर साडे नाल डॉक्टर राजवंत सिंह अमेरिका तो जिहड़े अज फिरोजपुर के महिमा पिंड दे विच आए ने उह साडे नाल जुड़े ने उहनां नाल गलबात करदे हां डॉक्टर साहब अमेरिका तो इत्थे आउणा सिक्खी दे प्रचार लई इह किवें मुनासिब होया जी असीं काफ़ी समय तो देख रहे हैं भी इत्थे सिक्खां दे विच खास करके नौजवानों दे विच उस किस्म का सिखी प्रति जज्बा नहीं है जहाँ दे विच काफ़ी मायूसी नज़र आती है दिशाहीनता नज़र आती है अच्छा। तो असीं ये समझते हैं भी सिखा दे घरां दे विचों सिखी का जिहड़ा तेज है प्रताप वो घटता जा रहा है तो असीं चाहते हैं भी हमला मार के असीं संपर्क बनाईए सांझ बनाईए नौजवानों तक पहुँचीए घरां तक पहुँचीए ताकि असीं सिखी नूं मजबूत कर सकीए एक दूजे नाल मोढ़ा मोढ़ा जोड़ के एक अजिहा समाज जिहड़ी सिरजना गुरु नानक साहब ने की है उन्हों होर मजबूत कर सकी सो यह अज ये सारे साडे प्रोग्राम का परपस है। सवाल मेरे दो चार है पर मैं पहला यही तुहाडे नाल रलदा सवाल दसा निगार आया क्यों उहदा कई कारण ने जी क्योंकि आपां कई जिहड़ा संकट समय दे विचों लंघ के आए हैं तो बाकी सरकार का जिहड़ा प्रबंध सीगा उहदे विच भी काफ़ी उस किस्म की जिहड़ी नवीनता नहीं सी प्रवीनता नहीं सी ते जिहड़ा काफ़ी आर्थिक ढांचा भी थले गया है सो एजुकेशन सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होया है सो काफ़ी फैक्टर ने काफ़ी कारण ने जिदे करके हुण ये घर लैवल तक पहुँच गई है गल सो जिहड़ा नशे का बहुत अगे नालों वध जिहड़ा पसारा नज़र आ रहा है सो असी समझते हैं भी इन्हां सारिया मुश्किलों का सारिया जिहड़ियां रुकावटा जीवन च ने इन्हां दा हल गुरबाणी दे विच है इन्हां दा हल सिक्खी दे विच है सो सिख नूं जदों सिक्खी समझ आ गई तो वह सिख तो उन्हें जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली वर्गे भजाते इतों अंग्रेज़ भजा दते मुगलों नूं भजा दिता इतों तो असी तो ये जिहड़ियां मुश्किल ने इन्हों तो बड़े सौखे तरीके निजिठ सकते हैं जे सारे रल के असी इकट्ठे होकर समाधान इसका लगता साडे कोले तां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हैगी आ होर वड्डियां संस्थावां है तो तुसीं इस पासे किवें क्यों आना जिहड़ा हैगा वो लाजमी सन देखो जी असीं उत्थे बच्चों के कैंप लगाने अमरीका दे विच अच्छा जी तकरीबन 25 साल तो असी सिख नौजवानों के बच्चों के कैंप लगाने केड़ी संस्था दे नाम है साडा गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेशन उत्थे नाम है जी जी तो बाकी इको सिख जथेबंदी असी इत्थे चला रहे हैं जिहदे नाल असी जंगल भी लगा रहे हैं पर नाल दी नाल जो एक्सपीरियंस सानू मिलिया कि यूथ नूं बच्चों नूं नौजवानों तक किदां पहुँच करनी है वो सानू एक लगता है भी जिस तरह असी गलबात करांगे बच्चे नाल जुड़नगे क्योंकि देखो अज दा जिहड़ा नौजवान है खास करके सिख नौजवान है उहदे नाल किसी की सांझ नहीं है असी जिहड़ा साडा ढांचा प्रचार दा जिहड़ा ढांचा भी है उहदे विच नवीनता लियाण दी लोड़ है सानू घरां च जाण दी लोड़ है सानू बांह फड़ के नौजवान नाल प्यार नाल गल करन दी लोड़ है जिहड़ा कोई गरीब सिख है जिहदे कोल कोई नहीं पहुँचता उहदे घर भी कदी कीर्तन नहीं हुंदा उहदे घर कदी कोई प्रचारक नहीं जांदा क्योंकि असी उह सिस्टम जिहड़ा बनाया कि असी होर तरीके नाल प्रचार करना चाह रहे हैं वो मेच नहीं खा रही जो अज के हालात ने उहदे विच निज तौर देते परसनल टच दे के जद तक प्रचार नहीं करांगे प्रचार का मतलब है सांझ बनाउणी गुरसिक्खी की गल प्यार नाल समझाउणी बजाए कि लाणत पाउणी आ झिड़कां देणियां तुसी बिगड़ गए तुसी आ हो गए कोई नहीं सुनेगा इस वेले एस जी पी सी नूं कित्थे देखदे हो एस जी पी सी का बड़ा वड्डा रोल है जी एस जी पी सी बहुत वधिया रोल हुण तक निभाया पर निभा सकती है जे असी अपने प्रचार के ढंग के कुछ नवीनता लैके आ एजुकेशन लैवल से बैकफुट तो लगती है एस सी पी सी का देखो जी उन्हां कोल रिसोर्स है ने मैं समझदा कि एक जिहड़ी हुंदी है ना भी ट्यूनिंग करन दी लोड़ है ते अज दे हालातां दे विच मेरी तो यही सजैशन है जी कि असी भी असी चाहुंदे एस सी पी सी उपर जावे बुलंदी च जावे ट्यूनिंग करन च लेट नहीं हो गए देखो इट इज़ नैवर टू लेट दुले वेरियां दा हले दुले वेरां दा हले भी कुछ नहीं विगड़िया हले भी असी सारे समझ जाइए मैं तो वड्डे वड्डे प्रचारकों नूं भी कहना भी असी अमरीका कैनेडा च जाके प्रचार करदे आं पंजाब दी धरती क्यों नहीं असी चुणदे एक होर ही जिहड़ा धर्म आ ओह उहनें बड़ा आपदा फैला कर लिया हाँ जी तो फिर असी पिछे ही आ तां ही इहो जिही चीज़ां फैला उहदा पंजाब दी गल करां तां बिल्कुल जी बिल्कुल साडे वेसलापण है दूजी गल कि असी उन्हां वर्गां तक नहीं पहुँच पाए जां नहीं पहुँच रहे साडे प्रचारक वर्ग नूं भी अपने ढंग तरीके दे विच चेंजेस लियाण दी लोड़ है असीं किसी नूं भी गुतकार के नहीं अपने नाल जोड़ सकते किसी नूं लाणता पा के किसी नूं झिड़कां दे के सिक्खी वल नहीं जोड़ सकते हरेक गरीब जिहड़ा अज पंजाब दे विच मैं जदों सड़क ते आउंदा मैनूं लगदा कि हर बंदा सिक्खी लई भुखा है
पर असी वो नहीं खाना परोस के दे रहे जिहड़े कि उन्हें स्वाद लगे। असी असी बड़े होर तरीके नाल हरेक नूं देखदे हां, आ नीव है आ उच्चा है, नहीं सारे बराबर आ। सिक्खी दे घराने च निकली नहीं साडे चों जिहड़ी गुरु साहिब ने अमृत दा बट्टा तैयार करके ओह वी कारण है, पर सब तो वड्डा कारण वीर जी मैं ये कहना सब तो वड्डा कारण है साडे प्रचार दे ढंग दे विच नवीनता चेंजेस लिया की लड़ है। सानू परसनल टच दे के प्रचार करना पैना है। माझे मालवे तो दुआबे दे विच सिक्खी ज्यादा कितने देखते हैं? ये कहना मुश्किल है जी। असी साढ़े असी सर्वे करवा रहे हैं, असी साइंटिफिक टीम लॉन्च की सी, चार बंदियां असी इस काम दे विच लाया सी भी सारा स्टडी करन भी कन्वर्जन क्यों हो रही है जां लोक दे विच लोकां दे विच उदासीनता क्यों है। सो सानू जिहड़े तत् मिले ने वो यही सारे कहिंदे ने कोई सिख पैसे करके धर्म नहीं छड रहा, कोई सिख जात पात करके नहीं छड रहा, बहुतात 80-85% सिख जिहड़े ने जिहड़े पिंडां च ने वह वहमां भरमां दे शिकार हो के थां थां ते जाके नक रगड़ रहे हैं। असी उन्हां नूं गलवक्कड़ी च लै के उन्हां नूं प्यार नाल समझाणा कि मेहरां दा मीह तां गुरु दे द्वारे च ही हुंदा है, गुरु ग्रंथ साहिब च मिलना, पर उहदे लई जिहड़ा जरिया है वह है प्रचारक। जे प्रचारक मिठ बोलणा नहीं, जे प्रचारक गलवक्कड़ी पाउण वाला नहीं, जे प्रबंधकी ढांचे दे विच असीं हरेक नूं प्यार नाल नहीं पेश आउंदे ते कोई सारियां चीज़ां फेल ने, कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल उहदा नतीजा असीं देख रहे हां। प्रचार का एक नवीनीकरण की लोड़ है, चाहे वह SCPC है जां संस्थावां ने। हाँ जी, प्रचार होना चाहिए, घर घर तक जाना चाहिए ताकि जिहड़े लोग भटके हुए दूजे धर्मां नूं जां होर एक नवें धर्म चले वाले तुर पए ने उहनां नूं रोकिया जा सके। बिल्कुल जी, असीं देखो जी मैं तां कहिंदा कि मैं हुण डाक्टरी पेशा है मेरा, पर क्योंकि सिख धर्म के नाल जुड़े होने करके सानू एक्सपीरियंस है जी। हरेक बंदे जिहड़े पढ़े लिखे बंदे ने, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स बैठे ने, हाँ जी रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स बैठे ने, आर्मी जनरल्स बैठे ने, मैं तो उन्होंने भी कहना भी तुम मैदान च नितरो, बिल्कुल तुसी आओ पिंडां च आके प्रचार करो, दसो भाई मैं सिक्खी दे विच रह के इत्थे तक पहुंचे। पढ़े लिखे ने उन्हां च तो बहुत फायदा मिलेगा। हाँ जी, साबत सूरत जिहड़े पढ़े लिखे रिटायर्ड अफसर, मैं तो कहना हर सिख प्रचारक है जी, हर सिख प्रचारक है, हर सिख नूं हुण हर एक दूजे सिख दी बांह फड़न दी लोड़ है। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वधिया साडे नाल डॉक्टर साहब ने गलबात की है कि हर सिख नूं अज लोड़ है दूसरे एक दूजे की बांह फड़न दी। इन्होंने एक नवा जिहड़ा अपना प्रचार का एक नवा जरिया शुरू किया, तो सानू आस है कि पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा सिक्खी नूं होर प्रफुल्लित करन वास्ते इन्हां दी संस्था जिहड़ी हैगी आ होर नवें कदम चुकदी रहेगी। बीबी कौलां जी भलाई केंद्र ट्रस्ट वल्लों भाई साहिब भाई गुर इकबाल सिंह जी अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग नाल गुरुद्वारा बीबी कौलां जी श्री कौलसर साहिब विखे हर साल की तरह सरोवर के पौड़ों की सेवा अरदास करके आरंभ की गई। भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह ने दसिया कि संगत के सहयोग नाल 3 दिन तक चली इस सेवा मौके सचखंड श्री हरिमंदर साहब के मैनेजर विक्रम सिंह, मैनेजर जय सिंह, गुरद्वारा साहब के हैड ग्रंथी भाई गुरविंदर सिंह, मैनेजर बिक्रमजीत सिंह, बाबा हरिमंदर सिंह जी कार सेवा वाले इंचार्ज बलदेव सिंह, गुरप्रीत सिंह, रणजीत सिंह, अमृतसर के कई पिंडां दीआं संगतां ने सेवा में हाजरियां भरियां ने। सेवा की आरंभता की अरदास भाई सुखविंदर सिंह गोगा वालों की गई। सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा के नाल अमृतसर के विच पांच सरोवर के विचों एक सरोवर गुरद्वारा श्री कौलसर साहब बीबी कौलां जी के नाम से गुरद्वारा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इस सरोवर का बाबा बुढ़ा साहब जी को निर्माण करवाया। बीबी कौलां जी दे सदीवी याद दुनिया ते रहे ये सरोवर बख्शिश किया कौलसर साहब, तो यदा फिर श्रोमणी कमेटी वालों दरबार साहब कमेटी वालों हुक्म होया सी 4-5-6 पौड़ा जल थले कीता, उस सारी जड़ी सेवा उहदी हरियावल जी हो जाती है, तिलकण जी हो जाती है, वह खत्म करके तो 5-6 पौड़ा नवें सिरों रंग रोगन होना है सारा। तो अज सारी संगत सतगुरां की कृपा ना मस्तगढ़ की, तो होर पिंडां की, तो शहरां की, तो सारे गुरमुख प्यारे आए ने, जेडे लत्तण जी हो जाती है पौड़ा नूं उह सारी लाई जा रही है। तो कल का दिन भी सेवा चलेगी, परसों तो फिर रंग रोगन शुरू हो जाएंगे, दिवाली की आमद नूं वेख के ये सारा सोहणे ढंग नाल जिहड़ी है श्रोमणी कमेटी के हुक्म विच बीबी कौलां भलाई केंद्र वालों उन्हां दी सीस ने नाल कमेटी की ये सेवा जिहड़ी निभाई जा रही है। भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस नूं लैके टांडा विखे वाल्मीकि भाईचारे वालों भगवान वाल्मीकि महाराज वाल्मीकि मंदिर तों शोभा यात्रा सजाई गई, जिस दी अगवाई विनोद खोसला ने की। शोभा यात्रा भगवान वाल्मीकि आश्रम मंदिर तों वख-वख थाईं हुंदी हुई भगवान वाल्मीकि जी मंदिर विखे ही समाप्त हुई।
टांडा विच चोरां ने टांडा उड़मुड़ विच टेंट हाउस की दुकान नूं अपना निशाना बनाया। चोरां ने पुराने बस स्टैंड के नज़दीक पप्पू टेंट हाउस विचों लख रुपए का समान चोरी किया। दुकान मालिक अशोक कुमार ने दस्सिया कि चोरां ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिता और चोरी करके फरार हो गए। उन्हें इस घटना संबंधी इतला पुलिस ने दी जिस वालों मामले की जांच जारी है। भारत और न्यूजीलैंड दरमियान पहले टैसट मैच के दूजे दिन की खेड खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 3 विकटा गुवा के 180 दौड़ा बना लिया सन। इस तरह उसने भारत के खिलाफ 134 दौड़ा की बढ़त बना ली सी। न्यूजीलैंड लई डिवन कॉनवे ने 91 दौड़ा, विल जंग ने 33 दौड़ा, टॉम लाथम 15 दौड़ा बना के आउट हुए। भारत वालों अश्विन ने एक, कुलदीप यादव ने एक, रविंदर जडेजा ने भी एक विकट ली। मीह नाल प्रभावित टैसट मैच में न्यूजीलैंड के मैट हैनरी और विलियम ओरूरको की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत पहले टैसट की पहली पारी में 46 दौड़ा से ढेर हो गया। भारत वालों 5 खिडारी 0 से आउट हुए जिन्हों में विराट कोहली, सरफराज खान, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन वर्गे वड्डे खिडारी शामिल ने। जबकि रोहित शर्मा ने सिर्फ 2 दौड़ा बनाईया। यशस्वी जायसवाल ने 13 दौड़ा की पारी खेडी। ऋषभ पंत ने सब तो वध 20 दौड़ा की पारी खेडी। इस तो पहला मीह कारण पहले दिन की खेड रद्द हो गई सी, टॉस भी नहीं हो सकया सी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाने दें नायर मार्द मौसम के हाल से। तुम बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के। धन्यवाद।